13.1.3 गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए हम एक निश्चित चिन्ह चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे नई कार्तीय परिपाटी कहते हैं इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु मानते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष एक्स डैश एक्स लिया जाता है यह परिपाटी इस प्रकार है पहला वस्तु सदैव दर्पण के बाई ओर रखा जाता है इसका अर्थ है कि दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाई ओर से दाई ओर आपतित होती है दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरिया दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा मूल बिंदु के ओर एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर X अक्ष के ऋणात्मक दिशा के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। चौथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर धनात्मक Y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं पांचवा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष के अनुदेश मापी जाने वाली दूरिया ऋणात्मक मानी जाती है यहाँ वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र में दर्शाई गई हैं। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है